आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी दानेदार सूजी का हलवे की रेसिपी। बहुत कम घी में हम बनाएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें मैं आपको सही मेजरमेंट बताने वाली हूँ, जिससे आपका हलवा हर बार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको ना पैन को हल्का सा गर्म कर लेना है, गैस की फ्लेम को लो रखना है। इसमें आपको डालना है 2 बड़े चम्मच घी। हलवे को आप हमेशा घी में ही बनाएं, ऑयल या फिर बटर का यूज बिल्कुल भी ना करें, घी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अब आपको लेना है ड्राई फ्रूट्स, तो मैंने लिया है कैश्यू, आलमंड्स, कोकोनट एंड किशमिश। जो भी आपके पास है वो आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। यहाँ पे आपको डालना है काजू, बादाम और नारियल को। किशमिश को आपको यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। इससे हलवे में ना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है, क्रंची सा भी हो जाता है, जो भी नमी होती है वो सब खत्म हो जाता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। जब ये भून जाए ना, तब आपको यहाँ पे किशमिश डालना है, क्योंकि किशमिश को भूनने में कुछ सेकंड लगता है, ये फूल जाते हैं, इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, फूल गया है, तो इसे हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा आप ना भूनें, नहीं तो ये जल जाएंगे, तो हलवे में टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। तो हल्का सा बस इसे हमें क्रंची करना है। पैन में ना हमारा घी बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूजी। तो परफेक्ट हलवा बनाने के लिए ना जरूरी है कि आप कोई भी कप या बाउल सेट कर लीजिए, उससे आप सारा मेजरमेंट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप सूजी लिया है, इसको हम घी में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को आपको लो करके इसे भूनना है। अगर आप लो पे भूनेंगे ना, तो इवनली कुक होगा, कहीं पे ये डार्क और लाइट नहीं होगा, तो हलवे का जो कलर है और खाने में जो टेस्ट है दोनों ही बहुत बढ़िया आएंगे। तो यहाँ पर आप लो फ्लेम पर इसे भून लीजिए। इसका कलर ना आपको ब्राउन सा करना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं और आपको वाइट भी नहीं रखना है। तो देखिए यहाँ पे घी सेपरेट होने शुरू हो गया है, इसे हमें ऑन भूनेंगे। तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर का हो गया है, इस स्टेज पर आने तक ना आपको इसे भूनना है। इससे ज़्यादा इसको डार्क ना करें और इससे इसको कम ना करें, आप डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे कि शुरू में कैसा था और अब कैसा है। तो अब हमारा जब ये सूजी भून गया है ना, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी आपको डालना है यहाँ पे 1/2 कप, जितनी आपने सूजी लिया उतना ही आपको यहाँ पे चीनी डालना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 डाल दिया है, 1/4 कप और डाल लूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है इतने सूजी के लिए। तो आपको यहाँ पे सेम क्वांटिटी रखनी है सूजी और चीनी की। यहाँ पे हमने इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है, तो चीनी हमारी मिक्स हो गई है। तो अब आपको इसमें ऐड करना है पानी, तो आप यहाँ पे पानी का ध्यान रखिए, उसी कप से आप डालिए पानी जिससे आपने सूजी लिया है, 3 गुना। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप सूजी लिया है, तो मैं यहाँ पे डाल लूँ 1.5 कप उसी कप से पानी। गैस की फ्लेम को आप मीडियम हाई रखें यहाँ पे, और इसे आप अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। हल्का सा जब इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाए ना सूजी में, तब आप इसमें डाल दीजिए घी। 1 बड़े चम्मच मैंने घी डाला है। इस स्टेज पर आप डालते हैं ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पे आप ना केयरफुली पकाइए, क्योंकि यहाँ से कुछ बुलबुले बाहर निकलते हैं जिससे आप जल भी सकते हैं, तो इसलिए गैस के फ्लेम को यहाँ पे आप एडजस्ट करते रहें। अगर ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं तो आप कम कर दीजिए, और इसको आपको पकाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर प्यारा आ गया है, तो मैं यहाँ पे इस स्टेज पे डाल दूँ ड्राई फ्रूट जिसे हमने फ्राई किया है, वो सब डाल देना है। मैंने काजू और बादाम को ना हल्का सा यहाँ पे चॉप करके डाल दिया है, और यहाँ पे हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसका कलर देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ना डार्क ना लाइट, तो यहाँ पे आपको मिक्स करते रहना है। अब मैं यहाँ पे ना इस स्टेज पे जब आपका हलवा बनने वाला हो, तब आप इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच के लगभग घी। तो यहाँ पे मैंने टोटली 4 चम्मच घी यूज किया है, 1/2 चम्मच। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका हलवा, दानेदार, खिला खिला बिल्कुल हर एक दाना होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे आपको इन हलवे में घी को मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे इसके टेक्सचर को देख सकते हैं, हमारा हलवा बनके रेडी हो गया है। तो गैस की फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिए, तो इसे हम सर्व करेंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत इजी रेसिपी है। तो माता जी को भोग लगाना हो, या आपको कभी भी कुछ भी मीठा खाने का मन करे, तो इस स्टेज सूजी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनता है, इसे आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से बारीक चॉप ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।